कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तो आज मैं आपको बेकरी वाले बन घर में बनाना सिखाऊंगी, मुकम्मल गाइड करूंगी आपको घर में ओवन के बगैर बन किस तरह बना सकते हैं, जो हम चाय के साथ, दूध के साथ या हम दही के साथ बच्चे नाश्ता करते हैं, तो वो मैं मुकम्मल आपको गाइड करने वाली हूँ। गौर से देखिएगा, तवज्जो से देखिएगा आपकी आंटी घर में कैसे बन तैयार कर रही है। तो सबसे पहले आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जी मैदा है, ये दूध है, ये कुकिंग ऑयल है, और ये सफ़ेद तिल हैं जो ऊपर हमने लगाने हैं, ये थोड़ा सा नमक है, एक एग है, अंडा, आइसिंग शुगर है पिसी हुई, इसको मैंने ग्राइंड करके मैंने पहले डब्बी में मैं पूस करके रखा हुआ है, और ये ईस्ट है, पनीर वो जिसको सॉरी खमीर के बोलते हैं, इसके डालने से वो बंद जो है ना फूलते हैं, इसको खमीर बाज़ार से आसानी से मिल सकता है। आप जहाँ भी किसी भी ग्रोसर की दुकान पे जाएंगे उनको कहेंगे हमें ईस्ट दे दें तो वो दे देंगे। साथ में मेजरमेंट कर रही हूँ वो ये कप है, ये बाज़ार से इजीली मिल सकते हैं। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे जहाँ से ये क्रॉकरी वाला बर्तनों वाली दुकान होती है उससे पूछेंगे, बताएंगे तो आप कहेंगे हम मेजरमेंट वाले कप दे दें तो वो आपको ईजिली दे देंगे। इसी कप की मैं मेजरमेंट कर रही हूँ आप भी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे कप से मेजरमेंट कर लें, जो आप चाय वाला कप होता है लेकिन मेजरमेंट आपकी वो जो है ना उसी हिसाब से भी होनी चाहिए। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं मैदा, ये एक कप, इसी तरह आपने बेकिंग में ज़्यादातर जो मेजरमेंट होती है इसी के हिसाब से, इसमें मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को नाप तोल के जो है ना वो यूज़ करना आता है। ये दो कप मैदा, ठीक है, इसमें हमने ये हाफ टी स्पून जो है ना ये सॉल्ट ऐड कर दिया, नमक आया जो रेगुलर नमक है जो घर में यूज़ करते हैं वो है। ये करेंगे कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध है, कोई फ्रिज में रखा नहीं था, रूम टेम्परेचर दूध है। इस दूध को हम ऐसे करेंगे, ये थोड़ा सा दूध ले लेंगे, इसमें हम 1 टेबल स्पून ये जो आइसिंग शुगर है वो यूज़ करेंगे। हम लोग मीठा ज़रा ज़्यादा खाते हैं इसलिए मैं इसमें ना 2 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसमें हम ये ईस्ट जिसको खमीर बोलते हैं ये है, ये मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून, ये देखें जी, और 1.5 कर दिया। ये स्पून भी इजीली मिल जाते हैं बाज़ार से। अब ये मैंने तिल रखे हैं, जब बन तैयार करेंगे इसके ऊपर लगाएंगे। ये कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर भी कर सकते हैं। ये एक एग है, एग को मैं फेंटूँगी, फेंट के आधा इसमें शामिल करूँगी आधा रखूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी कि उसका यूज़ कैसे करना है। ईस्ट शामिल किया, इसमें शुगर ऐड की है, अब इसको मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि कोई लम्स अंदर ना रहे। ये ईस्ट के जो लम्स नज़र आ रहे हैं इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें मैदे में इसको शामिल करेंगे, इसके साथ गूंदेंगे। डाला है जी, इसमें मैंने वो नमक डाला है, इसमें कुकिंग ऑयल डाला है, उसको हाथ से मैं अच्छी तरह से मस लूँगी, अच्छी तरह मसलने, बड़े मज़ेदार बन बनेंगे। आप ये बनाया के देखें, घर में खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। इसमें दूध की जगह अगर किसी को दूध पसंद नहीं है लेकिन मिल्की, मैं ये मिल्की बन बना रही हूँ दूध के साथ आटा गूंद के, इसके ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अगर आपके पास मिल्क नहीं है लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, हर घर में दूध मौजूद होता है, उसमें बनाएं, दूध से बनाएं, नहीं अवेलेबल है नहीं होता तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी तो कोई मसला नहीं है कि आप बिल्कुल दूध के साथ ही गूंदेंगे। बेकरी से अच्छे बन घर में बनेंगे और वो भी बगैर ओवन के। अब मैं आपको देखती मैं इसको बनाना सिखाऊंगी। ओवन भी है लेकिन जिनके पास ओवन नहीं है, ये मैं उनके लिए भी बना रही हूँ, जिनके पास ओवन है वो ओवन में भी 180 डिग्री पर आप रख सकते हैं, उनको बना सकते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास नहीं है ओवन भी, घर में वो बना सकते हैं। अब ये देखें जी, इस फॉर्म में आ गया, ये मैदा, कुकिंग ऑयल और सॉल्ट है, और इस दूध में मैंने ईस्ट डाला है और चीनी डाली है। एक बात याद रखें, ये किचन ये जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ अपनी, जब नमक डालना है उसके साथ ईस्ट नहीं डालना क्योंकि वो फिर ज़्यादा राइज नहीं होगा, चीनी के साथ आप डाल सकते हैं।
और ये दूध, अब इस दूध के साथ में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और हाथ से मसलते जाना है, गूंदते जाना है। ये एक बड़ी फ्लफी सी सॉफ्ट सी डो बन जाएगी। यकदम नहीं सारा डालना, ठीक है, कि वो सारा बड़ा पतला सा बन जाए। ऐसे ऐसे आपने साथ साथ डालते जाना। ये ईस्ट वाला दूध है, अभी दूसरा दूध गिलास में पड़ा है, वो भी मैं यूज़ करूँगी। ऐसे आपने इसको मिक्स करते जाना है। अगर आप दूध के साथ ही बनाएंगे तो बड़े टेस्टी बनेंगे। हाफ से भी ज़्यादा ही डाल गया। और ये रखेंगे ये बन के ऊपर, ये बाद में आपको बताऊंगी कि इसको क्या करना है। बिल्कुल अच्छी सी नरम सी डो बनानी है, सॉफ्ट सी। रोटियां बेलती हूँ तो इसको ऐसे तरीके से अच्छी तरह, ये इसकी ट्रिक है ख़ास, हाथ में आप आयल लगा के साथ के चिपके ना, लगाते जाएं इसको ऐसे गूंदते जाएं। ये ऐसे डो मैंने 7 से 8 मिनट तक ऐसे गूंदी है। आप देखें ये साथ चिपक नहीं रही है, ये सरफेस इसकी शेल्फ की जो है ना बिल्कुल नीट है, ये थोड़ा बहुत ही साथ चिपक रहा है। इसका मतलब है कि डो जो है ना वो तैयार हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे कि ये देखें, ये स्मूथ सी प्यारी सी ये डो बन के तैयार हो गई है। ये देखें इसका ये मतलब है, ये देखें अब साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रही ऐसे। ये डो ना आपने ज़्यादा सख्त रखनी है ना ज़्यादा आपने नरम रखनी है, सख्त तो बिल्कुल भी नहीं रखनी ना, ठीक है, नरम हो जाए तो कोई बात नहीं। ये देखें पहले सारी सरफेस जो गंदी थी, आटा सारा लगा था मैदा, अब ये देखें बिल्कुल नीट हो गई है। ये आपने ऐसे हाथ से पकड़ के इसको ऐसे ऐसे करना है, इस तरह मसलना है। ये बिल्कुल ऐसे पेड़ा बना के गोल सा इस बॉल में आपने रख देना। ये बॉल को मैंने नीचे से ना ग्रीस किया हुआ है, रख दिया। अब इसके ऊपर भी आपने हल्का सा ना फाइलिंग करनी है, बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा, बड़े मज़ेदार और अच्छे बन आपसे भी बन सकते हैं। अगर मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बन गया, अब मैं ये पेड़ा पूरा हम 45 मिनट के लिए इसको हम राइज होने के लिए रखेंगे, यानी कि ये आटा जो है ना खमीर हो जाएगा। जब इससे डबल क्वांटिटी में हो जाएगा तो ये ठीक हो जाए। इसको अब मैं भूने से कवर करके बड़े अच्छे तरीके से अब मैं माइक्रोवेव के अंदर या ओवन के अंदर रख दूँगी। व्यूअर्स तो ये देखें, ये मैंने आटा इधर उधर भूने के नीचे ऐसे लपेट के रखा था, अब ये देखें ये राइज हो चुका है, यानी कि ये खमीर हो चुका है। ये देखें ऐसे हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि अब इसके छोटे छोटे बन बनाकर इसको रखेंगे। ये डो को मैंने इसमें हाफ हाफ कर लिया, ये मैं ना बन ज़्यादा बड़े बना रही हूँ ना छोटे बना रही हूँ। ये मैंने एक बटन प्रेस किया, अंदर मैंने बटन पेपर लगाया, बटन पेपर को भी ऊपर से मैंने
मैं रखती जाऊंगी। अब इसमें पेड़े बना के भी इसको मैं आपको बताती हूँ, फिर एक घंटा रखती। ये पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब ये जो अंडा बचा था, आधा मैंने अंदर इसके मैदे के डाला था और आधा ये बच गया। अब मैं इसको जी, अब ये जो सफ़ेद तिल हैं वो जो मैंने आपको दिखा दिए, सफ़ेद तिल एक काले होते हैं, ये सफ़ेद हैं, ऊपर स्प्रिंकल कर देने। अब ये करके तो आप फिर ये एक घंटा आपने ऐसे ही रखना है। एक घंटे के बाद फिर हम इसको ओवन में रखेंगे या देगची में रखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। एक घंटे बाद फिर मिलते हैं जी व्यूअर्स। तो ये मैंने देगची रखी है, देगची के अंदर ये मैंने स्टैंड रखा है और ये ऊपर इस तरह बना देंगे। ये मीडियम आंच पे तकरीबन 15 मिनट तक ये प्री हीट रहेगी। इसके बाद मैं इसके अंदर को बंद रखूँगी बेक होने के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने प्री हीट किया, ये गर्म है, ये देखिए अंदर से हीट निकल रही है। अब मैं इसको ये रख दूँगी ऐसे, ऊपर से फिर ढकना हम दे देंगे। ये तकरीबन 30 से 35 मिनट तक होगा। एक घंटे बाद तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए हैं, देखते हैं आप अंदर क्या है। वाह, ये देखिए जी, बन बन के तैयार हो गए हैं, कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसको निकालते हैं, कितनी प्यारी लुक आई है, कितने प्यारे लगते हैं। अभी ये गर्म है, ये मैं नाइफ से अभी आपको एक दिखाती हूँ। भी निकालते हैं तो गर्म, लेकिन मैं आपको ये देखें चेक करवा रही हूँ। ये देखें कितने सॉफ्ट और फ्लॉफी हैं। ये देखें इस तरह इनके पकने की ये है निशानी, ये देखें। अब हम दबाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा दोबारा। अब मैं एक एक करके निकालती जाऊँगी, अभी बहुत गर्म है।
देखें अभी ये हैं तो गरम गरम, लेकिन मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये देखें बहुत मज़े के बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं, मिल्की बंद हैं ये देखें कितनी प्यारी आ रही है, इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छा ही है। देखें ये मैंने आज बड़ी मेहनत से आपके लिए ये बन तैयार किए हैं, मिल्की बन हैं ये, बहुत मज़ेदार और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन ये एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप देगची में रखेंगे इनको बार बार ऊपर से आपने ढकना उठाकर देखना नहीं है, वरना ये राइस होते होते नीचे बैठ जाएंगे, तो ये इतने फूलेंगे नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये मैंने ये केक कवर लिया है बाज़ार से, बेकरियों से इजीली मिल सकता है, या केक कोई केक लेके भी आते हैं तो ये कवर, अब कवर में केक होता है तो ये कवर मैंने भी संभाल के रखा था। अब ये देखें इसमें ये बन जो है ना, हम सेव करके तो बच्चों के लिए नाश्ते के लिए चाय के लिए रख सकते हैं, और इस तरह सेव करके इसको बंद करके आप इजीली फ्रिज में भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते तो वैसे भी रख लें, किचन में रख दें, ये इससे जूसी रहते हैं। इसमें ना ये होता है कि ये जो बन है ये हार्ड नहीं होते, ये ड्राई नहीं होते, इसी हालत में रहते हैं, इस तरह जूसी सॉफ्ट इस तरह ये रहते हैं, ख़राब नहीं होते। आप ये इधर सेफ हो गए हैं तो अब मैं इसको ऐसे बंद करके रख दूँगी, अब सुबह इनको नाश्ते में दूँगी लस्सी के साथ, दही के साथ, मज़े उड़ाएँगे खाएँगे।